चित्रगुप्त महाराज लोगों के इष्ट देव माने जाते हैं और वही कलम करवाल और किताब धारण करने वाले चित्रगुप्त जी को यमराज का मुंशी भी कहा जाता है और ये सभी प्राणियों के अच्छे बुरे का लेखा जोखा भी रखते हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर वे यमराज से कैसे जुड़े आपको बता दे पौराणिक कथा के अनुसार यमराज को पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को कर्मों के अनुसार सजा देने का काम सौंपा गया था यमराज ने इसके लिए ब्रह्मा जी से एक सहयोगी की मांग की इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक हजार वर्ष तक तपस्या की इसके बाद एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जिन्हें चित्रगुप्त कहा गया ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न होने के कारण भगवान चित्रगुप्त के वंशज कायस्थ कहलाते हैं वही भगवान चित्रगुप्त की पूजा वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को की जाती है और इस दिन को चित्रगुप्त जयंती के रूप में मनाया जाता है मान्यता है कि इसी दिन उनकी उत्पत्ति हुई थी इसके अलावा भगवान चित्रगुप्त की पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भी की जाती है मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और इससे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नर्क के कष्ट नहीं भोगने पड़ते आपको बता दें कि कई बार हम मनुष्य जानते बूझते ऐसी गलती करते हैं जो धर्म विरुद्ध होता है और हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसे कोई देख नहीं रहा है जबकि सच ये है कि हम पर 24 घंटे यमराज के गुप्तचर की नजर रहती है और हम ये उस पुराण के आधार पर कह रहे हैं जिसमें भगवान विष्णु ने गरुण को मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में बताया है इस पुराण का नाम है गरुण पुराण और इस पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु के बाद यमराज के सामने यमदूत आत्मा को लेकर पहुंचते हैं तब यमराज अपने सहयोगी चित्रगुप्त से व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए कहते हैं और उसके बाद चित्रगुप्त से विचार विमर्श करके यमराज व्यक्ति को दंड देते हैं तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे एन ट्वेंटी सेवन भक्ति